Hello everyone welcome back to my channel so today we are going to discuss the comparative government syllabus of all the universities in which the constitution of united kingdom has been given we will discuss today the salient features of the united kingdom's constitution it is expected that every year the question from the salient features of united kingdom's come in papers so please be with my channel be with this video and watch the full video

एक तरीके से लिखा नहीं गया वो बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्राइजेस uh, हैं जैसे कॉमल्ला हो गए कन्वेंशन हो गए वर्कस ऑफ अथॉरिटी हो गए पहला फीचर इसका क्या है अनकोडिफाइड नेचर अनकोडिफाइड नेचर द यू के कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटर्न इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट बट इज फाउंड इन वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग रिटर्न एंड अनरिटर्न तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है जो बहुत सारे कॉमन लॉ हैं जैसे कोर्ट जो कोर्ट कोई देता है कॉम किसी ने सुनवाई करी उसमें कोई जजमेंट आया या कोई पहले से बहुत ट्रेडिशन चला रहा था कोई लॉ चल रहा होता है उसको लोग लॉ म उसको लॉ फॉलो करते हैं उसका इस तरीके के होते हैं पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है जो पार्लियामेंट है वही सुप्रीम होती है लेकिन हम के बात करें अगर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती है तो पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लीगल अथॉरिटी ऑफ क्रिएटिंग और एंडिंग एनी लॉ नो पार्लियामेंट कैन पास द लॉस डेट फ्यूचर पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज यहाँ ऐसा कहा गया है कि इनकी जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बना दी तो फ्यूचर पार्लियामेंट उसे चेंज कर देगी आराम से रूल ऑफ लॉ एवरी वन इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट इज टू द लॉ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड हैज़ द पावर टू रिव्यू द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिसलेटिव ब्रांचेस रूल ऑफ लॉ का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई भी इंसान हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मिनिस्टर हो चाहे कोई नेता हो या कोई बड़ा आदमी हो या अमीर आदमी हो जो लॉ है जो उस देश का कानून है उसके सामने सभी लोग बराबर हैं सभी के लिए समान कानून है और अगर कोई भी किसी ने क्राइम किया है तो उसके लिए सेम उसके लिए पनिशमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मनार कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब ये होता है जैसे इंडिया में जो हमारा संविधान है उसमें जो हमारा हेड हेड ऑफ स्टेट है जो हेड ऑफ़ स्टेट है वो क्या है प्रेसिडेंट है लेकिन जो ब्रिटिश uh, ब्रिटेन में है ब्रिटेन में जो हेड ऑफ़ स्टेट है वो रहेगा क्या जो राजा पहले से होता आ रहा है वही रहेगा यूके इज़ अ मोनार्की विद हेरीडेटरी मोनार्क इनके यहाँ क्या होता है हेरीडेटरी मोनार्क होता है कि राजा होगा उसका बेटा फिर राजा बनेगा फिर उसका बेटा राजा बनेगा ऐसे ही उस तरीके से बनते जाएंगे हेड ऑफ़ स्टेट होंगे अब वहाँ क्या है सेपरेशन ऑफ़ पावर भी है सो द ऑल द यू के डज नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ़ पावर देर इज अ फंक्शनल डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेजिस्टिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस अगर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो ब्रिटेन में पूरी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है लेकिन वहाँ क्या हुआ है वहाँ क्या है कि जो पावर जो फंक्शन है वो डिवाइडेड है लेजिसलेटिव के अलग फंक्शन होंगे एग्जीक्यूटिव के अलग होंगे और जुडिशियल के अलग फंक्शन होंगे सब लोग अपने अपने फंक्शन करेंगे यूनिटरी स्टेट यूनाइट स्टेट का यहाँ मतलब ये यह है इनका एक ये फीचर है कि जैसे अपने वहाँ क्या हुआ अपने वहाँ देश है हमारे एक यूनियन गवर्नमेंट है उसके बाद क्या है राज्य हैं अलग अलग जैसे उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड है लेकिन वहाँ क्या है वहाँ राज्य नहीं वो यूनियन है वहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल अथॉरिटी ही रहे और यूनियन गवर्नमेंट ही रहेगी बाकी उन लोगों ने जो पावर है थोड़ी थोड़ी डिवाइड कर दी है जैसे स्कॉटलैंड को दे दिया है वेल्स को दे दिया है नदर आयरलैंड को दे दिया है और लंदन को पावर डिवाइड कर दिया है कन्वेंसन्स दीज आर अनरीटर्न प्रैक्टिस डेट हैव डेवलप्ड ओवर टाइम एंड गाइड कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर वैन वाइल नॉट लीगली इन्फोर्सियबल दे आर कंसिडरिंग बाइंडिंग जैसे मैंने पहले बाद बात करी थी कन्वेंसन्स के बारे में कि एक तरीके के ट्रेडिशन होते हैं जिन पर लॉ जिससे कानून होते हैं कानून के जरिए जिनको कोई भी कानून बनाया जाता है उन पर एक ट्रेडिशन बन जाता है ये इन्फोर्सियबल तो नहीं होते हैं लीगली इन्फोर्सल नहीं होते हैं लेकिन कानून बनाने में बाइंडिंग जरूर रहते हैं स्टेटूएट्स तो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट डेट हैल सिग्नीफिकेन्स सच इज़ द मैगना कार्ट दिल ऑफ राइट सिक्सटीन एटी नाइन एंड द ह्यूमन राइट्स एक्ट नाइनटीन नाइनटी एट स्टेटूएट्स वो कानून होते हैं जो कि पार्लियामेंट एक एक्ट के द्वारा बनाती है उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस रहता है ठीक है जैसे अपने वहाँ भी स्टेटूट्स बनते हैं एक स्टेट को आप नॉर्मली समझ लीजिए लॉ है ठीक है लॉ जो कि एक पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया है जैसे हमारा आई सी आई है नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमन लॉ सो कॉमन लॉ जुडिशियल डिसीजनस एंड प्रिस डेट कंट्रीब्यूट टू द लीगल फ्रेमवर्क इंटरप्रेटिंग स्टेचुएथ एंड फ्लिंग गैप्स वे आर नो स्टैचुएथ एग्जिट्स कॉमन लॉ ऐसे लॉ होते हैं जो कि जुडिशरी जो होती है जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट होता है उसने कोई अगर जजमेंट दिया है ठीक है उस जजमेंट में उसने लॉ एक ऐसा जजमेंट दिया है कि उस सब पे बाइंडिंग है या कुछ से कुछ भला हो रहा है किसी का काम हो रहा है तो उसे कॉमन लॉ कहते हैं जो कि पार्लियामेंट ने नहीं बनाया होगा फ्लेक्सिबिलिटी अब अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ इस कारण से बात कही कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं तो तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज़ हाईली फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ऐसा कहा जाता है कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन एक आदमी को औरत और एक औरत को आदमी बनाने के सिवा सब कुछ अमेंड कर सकती है कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अमेंड ना कर सके या कोई ऐसा कानून नहीं जो वो बना ना सके सारे कानून बना सकती है हो और सब कुछ कर सकती बहुत ही फ्लेक्सिबल है नॉर्मल जैसे नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से वोट करके वो कोई भी नया कानून बना सकते हैं सोन द लास्ट दीज फीचर्स कलेक्टिवली फॉर्म द कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ द यूनाइटेड किंगडम गाइडिंग द गवर्नेंस एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री ये कुछ प्रिंसिपल जो है पार्लियामेंट सबरिटी हो गई स्टेचुएस हो गए कॉमन लॉ हो गए फ्लेक्सिबिलिटी हो गई ये कुछ फीचर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन के हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के हैं ये सब आपको याद करना पड़ेगा ये आप लोग याद कर लीजिए और सेम टू सेम पेपर में लिख के आइए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो जाए गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो जाए कानपुर यूनिवर्सिटी हो जिसके सिलेबस में ये आता है वो सभी लिख सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के खास सिलेबस में लाइक थर्ड सेमेस्टर में है पेपर सेकंड है तो वहाँ के बच्चे इसे देख सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होगा सो थैंक यू एवरी सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर मोर वीडियोज़